यूट्यूब के पैसे से मैंने नया आईफोन खरीद लिया, बेंगल कलर का, जिसका सही से घर नहीं है, वो कैसे यूट्यूबर बना? और मैं यूट्यूब से हर महीने में कितना कमाता हूँ? और गाइस, मेरे पास एक ऐसा गैजेट आया है जिसकी मदद से तुम बिना आग के खाना बना सकते हो। और मेरे पास एक नया पार्सल आया है, इसको मैं वीडियो के एंड में खोल के देखूंगा। और इसके लिए कोई भी आग की जरूरत नहीं है। चलो, कैसे बिना आग के सिर्फ इसकी मदद से खाना बनता है वो देखता हूँ। बिना आग के सिर्फ केमिकल से खाना बनेगा। उससे पहले मेरा बहुत सारे वीडियो में मिलियंस में व्यू गया है। इसके अंदर सबसे ज्यादा जिस वीडियो में व्यू गया है वो है 22 मिलियन। और एक वीडियो जिस वीडियो को मैं खुद की बेंगल में बनाया था उस वीडियो में व्यू गया है 4 मिलियन। इस ब्लॉग को मैं मेरे बेंगल के अंदर बहरमपुर में बनाया था। मैं यूट्यूब में 6 साल पहले से वीडियो बनाता हूँ, बट मैं पहले इतना फेमस नहीं था। मेरा पहला वीडियो वायरल हुआ था 2021 साल में, फ्री फायर गेमिंग वीडियो। उसके बाद मैं गेम का वीडियो बनाते बनाते 2 सितंबर 2022 में चोर बाजार में जाकर एक वीडियो बनाता हूँ। और वो चोर बाजार का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया। उस वीडियो को देखते देखते 5 दिन के अंदर 17 मिलियन व्यू आ गया था। और मेरा उस एक वीडियो से ही 15,000 का अर्निंग हुआ था। और उस दिन से ही मैं यूट्यूब करने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ था। कोई भी कभी तुरंत सफल नहीं होता है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और इंतजार करना पड़ता है। मैं 6 साल तक वीडियो बना बनाकर आज मैं यहाँ तक आया हूँ। और 5 दिन पहले मैं एक नया आईफोन लिया हूँ, जिस फोन से ये वीडियो शूट हो रहा है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर अच्छी लगता है इस वीडियो को एक लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तो गाइस, कैसे सिर्फ बिना आग से इसकी मदद से खाना बनता है चलो देखता हूँ। और मैं इस चैनल में इससे भी अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया कंटेंट दूंगा और इसको मैं एक अच्छा सा जगह में जाकर अनबॉक्सिंग करूंगा और खाना बना के दिखाऊंगा। और गाइस, मैं तुम लोगों को एक नया चीज दिखाऊंगा, उसके लिए हमें उस लोकेशन में जाना पड़ेगा। तो गाइस, यहाँ पर मैं 2 मैगी लिया हूँ, उस केमिकल को लिया हूँ और एक बोतल पानी। तो गाइस चलो, अब हम चलते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो गाइस चलो, अब हम देखूंगा कैसे बिना आग के सिर्फ इसकी मदद से खाना बनता है चलो। तो गाइस, यहाँ पर शहद बनाया जाता है। और गाइस, मैं आया हूँ भट्टा में, ये भट्टा बंद हो गया है और नहीं चलता है। और आसपास के लोकेशन भी बहुत ज्यादा सुंदर है, यहाँ पर ये सब देखभाल करने के लिए लोग रहता है। और इस बॉक्स के अंदर शहद बनता है। मैं तुम लोगों को थोड़ा पास से मधुमक्खियों को दिखाता हूँ। देखो, चारों तरफ सिर्फ मधुमक्खियों का बॉक्स। तो गाइस, मैं यहाँ पर सब कुछ बाहर निकाल लेता हूँ। तो गाइस, मैं फटाफट इसे अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। ये है इंस्टा हॉट पैक आछे। और इसकी मदद से खाना बनेगा। यहाँ पर कप भी दिया है। तो यहाँ पर हमें खाना खाने के लिए बाटी भी मिला है, टिश्यू पेपर। और ये है मेन पैकेट, इसके अंदर खाना डालना पड़ता है। देखो, इससे तुम क्या क्या खाना बना सकते हो उसका फोटो भी दिया है। सब्जी बना सकते हो, चावल बना सकते हो, चाय भी बना सकते हो। और इसके साथ चम्मच भी है। तो चलो फटाफट मैगी बनाकर देखता हूँ। इसके अंदर बहुत कुछ है, मैंने सोचा नहीं था इतना कुछ देगा। तो चलो, सबसे पहले केमिकल को खोल लेता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर मैगी डालना पड़ेगा, उसके बाद इस केमिकल को उस पैकेट के अंदर डालना पड़ेगा, उसके बाद उस केमिकल के अंदर थोड़ा सा पानी देना पड़ेगा। और जैसे ही इस केमिकल के साथ उस पानी का रिएक्शन होगा तब ये पैकेट बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो चलो फटाफट मैगी को डाल देता हूँ। तो गाइस, दूसरा मैगी को भी दे दिया। और गाइस, ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ नई नई वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो को भी एक लाइक कर दो। तो गाइस, इसके अंदर मैगी पानी सब कुछ डाल दिया, अब इसके अंदर इसको डाल देता हूँ। फ्लिपकार्ट हर जगह में अवेलेबल है। यहाँ पर नाम भी देख पा रही हो, इंस्टा हॉट। बहुत गर्म हो गया है ये, तो देख रही हो गाइस, बिना आग के मैगी बन रहा है। यहाँ पर कोई भी आग के जरूरत नहीं है। और देखो, इसके अंदर से धुआं भी निकल रहा है। तो गाइस, यहाँ पर हमारा मैगी पूरा कंप्लीट हो गया है, बट बहुत गर्म है। इसके अंदर सारा जो देख रही हो ये है केमिकल। इस केमिकल के अंदर पानी डालना पड़ता है और इस केमिकल के साथ और पानी के साथ रिएक्शन होकर बहुत ज्यादा हीट बनता है और उस हीट से खाना बनता है। तो गाइस, हमारा मैगी यहाँ पर पूरा सही तरीके से बन गया है। तो गाइस चलो, अब हम इसे टेस्ट करके देखता हूँ। चलो टेस्ट करके देखता हूँ ये खाने में कैसा लगता है। तो गाइस, शहद का मालिक आ गया पानी लेकर। इस बंदे ने शहद बना रहा है। बिना आग के मैगी बहुत ज्यादा सुंदर है और ये खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। और गाइस, इसके लिए मैं कहा था कि एंड में अनबॉक्सिंग करूंगा, तो चलो अनबॉक्सिंग करके देखता हूँ इसके अंदर क्या है। तो गाइस, इसको मैं पीछे की दीवार में लगाऊंगा। ये है दरवाजा का पर्दा। गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगता है इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैगी कैसा है? वाह, अमेजिंग।